हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, अक्सर देखा होगा कि हर घर में आपको कुत्ता नजर आता होगा। जी हाँ दोस्तों, लोग शौक से या दोस्तों कई वास्तु के अनुसार घर में कुत्ता पालते हैं। कुत्तों को रोटी हमेशा देते हैं, कुत्तों का देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या लाभ होता है? जी हाँ, चलिए जानते दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि कुत्ता पालने के कई लाभ। जी हाँ, ये कुत्ता पालने से आपको इस तरह के लाभ हो सकते हैं। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुत्ता पालने से क्या लाभ होते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार कुत्ता पालने के फायदे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा सभी के घर में कोई ना कोई पालतू जानवर पाले जाते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या खरगोश हो, तोता हो या फिर कुत्ता क्यों ना हो। जी हाँ, सभी को पालतू जानवर पसंद होते हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो कुत्ता सबसे वफादार होता है, क्योंकि वो जिस घर में भी रहता है वह के प्रति और अपने खाने का फर्ज अपने वफादारी के जरिए अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता यानी कि दोस्तों वास्तु के अनुसार कुत्ता पालने के बहुत से सारे फायदे हैं। जी हाँ, कुत्ता हमारे लिए एक एंटरटेन का भी साधन होता है। ये हमारे घर की रखवाली भी बहुत ही अच्छे से करता है। कुत्ता की वफादारी के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, वास्तु के अनुसार कुत्ता पालने के कई फायदे हैं। शास्त्र अनुसार बताया गया है कि अगर वास्तु के अनुसार कुत्ता को पाला जाए तो बहुत लाभ होता है। चलिए जानते हैं दोस्तों उसके बारे में। जब भी आप कुत्ता पालने तो हमेशा ध्यान रहे कि कुत्ता काले रंग का ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काला कुत्ता पालने से भगवान शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। आप अलग रंग का भी, जी हाँ दोस्तों, आप अलग रंग का कुत्ता भी पाल सकते हैं। आप लाभ से कमी नहीं आएगी, मगर माना जाए काले रंग का कुत्ता अधिक लाभदायक होता है और आपके घर में हमेशा शनिदेव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, कुत्ता पालने का ये फायदा होता है कि इससे घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं और आपके दुश्मन भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप घर में कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो मोहल्ले या सड़क के कुत्ते को भी रोजाना खिला पिलाकर भगवान शनिदेव को खुश कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि कुत्ता काला होना चाहिए, तभी पुण्य मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो कुत्ते को घर में पालतू जानवर बनाकर पालने से घर के कई सारे ग्रह क्लेश कम हो जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर साढ़े साथी सवार है, वो लोग काला कुत्ता पालकर अपने ग्रह दोष को खत्म कर सकते हैं। कुत्ता को घर में पालने से नेगेटिव एनर्जी यानी कि नेगेटिव ऊर्जा घर में नहीं आती है, और उनको पालने से घर में धन और खुशियाँ दोनों ही आती है। जिस घर में कुत्ता पाले जाते हैं उस घर में भूत प्रेत आदि नहीं आते हैं, क्योंकि ये कुत्ता से बहुत ही डरते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि के साथ राहु और केतु ग्रह का सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है। इन ग्रहों के प्रभाव से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जमीन पर आ जाता है। यदि यह ग्रह अशुभ प्रभाव दे तो ये व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शनि या राहु केतु के दोष है तो इसका तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। दोस्तों, इन ग्रहों की अशुभता के कारण जीवन भर की कमाई, रिश्ते और इज्जत पल भर में खत्म हो सकती है। दोस्तों, इन ग्रहों को शांत रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु केतु के ग्रहों को शांत रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय घर में कुत्ता पालना बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी पढ़ने को मिलता है कि यदि आप काले रंग का कुत्ता घर में पालते हैं तो इससे सभी ग्रह शांत रहेंगे। काला कुत्ता घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में और घर को बुरी नज़र से बचाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा कुत्ता पालने से शनि और केतु, जी हाँ दोस्तों, शनि और केतु ग्रह शांत होते हैं और अच्छा फल देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपने घरों में कुत्ता पाल नहीं पाते हैं। यदि आपके घर में कुत्ता पालना नहीं चाहते हैं तो आप कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुत्तों को खाना खिलाने और उनकी सेवा करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में
शनि अशुभ स्थिति में हो या फिर दोस्तों यार फिर शनि की महादशा साढ़े साती या ढैया चल रही हो, उन लोगों को प्रतिदिन कुत्ते को भोजन जरूर कराना चाहिए। साथ ही कुत्ते की सेवा करने से शनि ग्रह के कारण होने वाली मुसीबतों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों शनिदेव के अलावा कुत्ते की सेवा करने से काल भैरव जी भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए, इसे काल भैरव की कृपा बनी रहती है और भगवान काल भैरव की कृपा से बड़े संकट टल जाते हैं। जिन लोग के जीवन में आर्थिक परेशानी हो, संतान सुख ना हो, उन्हें भगवान काल भैरव की कृपा पाने के लिए कुत्ते की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ पर कोई अन्न धन्य की कमी नहीं होती है, रुपए पैसों की कमी नहीं होती है, हर संकट टल जाता है। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें, यह है कुत्ता पालने के कई लाभ। यदि आप कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो दोस्तों कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, इससे आपको फायदा ही होगा। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।